नमस्कार दोस्तों, बीएसआई ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के इस लोअर पीसीएस टारगेट 2019 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के। हिस्ट्री के खाली क्वेश्चन आप लोग के काउंटिंग में 50 हैं, लेकिन जब आप लोग पढ़ने जाएंगे तो आप लोग को एक साथ 50 से ज़्यादा क्वेश्चन याद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि इस बार आप लोग का जो पेपर रहने वाला उसका लेवल जो है काफ़ी उच्च रहेगा, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग आज पढ़ते हुए चलेंगे। तो जितने भी फिलहाल सीरियस स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने सोच ही लिया है कि मुझे यहाँ पर लोअर पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना है, तो बिल्कुल आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो आज आप लोगों को कोशिश करने की 50 में से अगर आप लोग के 40 के स्थान पर अगर आपके 30 क्वेश्चन भी अगर सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग का जो लेवल है वो थोड़ा मेंटेन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर जिसके भी 40 सही हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किसके सुझाव पर 1919 में भारत सरकार एक्ट में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सिंपल भी है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से लायोनेल कल्टिस। करेक्ट आंसर होगा फिलहाल यहाँ से आप लोग का सी वाला, लायोनेल कल्टिस। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको ऑप्शन में दिया जाता है लियोनेल कल्टिस, तो द्वैध शासन का सिद्धांत जो है सबसे पहले न्यू नेल कल्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था, जो कि बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा, ठीक है। लेकिन बाद में सिद्धांत 1919 में यह भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हो गया। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आप लोग का है लायोनेल कल्टिस, क्लियर है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग के लोअर पीसीएस के लेवल के अकॉर्डिंग ही है। अब आपको यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से संबंधित कौन सा तथ्य सही है वो आपको पहचानना है। तो बताएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग को चार कथन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा भी डिटेल से पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर आप लोग का सेट होने वाला है बिल्कुल अंदर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जैसे आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। तो 102 का करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है दिल्ली दरबार का आयोजन, ये बिल्कुल इससे संबंधित है। न्यूनतम आय पर कर माफ़ करना, ये भी है। और इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की है लॉर्ड कर्जन ने, तो ये भी सही है। और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। तो देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आपका डी वाला, चारों ही आप लोग के तथ्य बिल्कुल सही दिए गए। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है, इसको मिलान करना है इसका। तो यहाँ से आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे कि कलकत्ता जर्नल, कलकत्ता मदरसा, ठीक है ना। और इधर दोस्तों आप लोग को दिया गया लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, इन सब का आपस में मिलाना है। तो यहाँ से आप लोग का थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बता दें। जैसे कि देखिए यहाँ से जो आप लोग का करेक्ट आंसर फिलहाल होगा जहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि कलकत्ता जर्नल, ये संबंधित है जॉन सिल्क से। कलकत्ता मदरसा से आप लोग के जैसे कि दिया गया वॉरेन हॉस्टिंगस। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, विलियम बेंटिक। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित हैं आप लोग के लॉर्ड कैनिंग। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आप लोग का यहाँ से सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसका भी यहाँ पर आंसर सेकंड आया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा पी वाला, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जैसे कि बात करें, आप लोग भी जानते हैं कि कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है इसको स्थापना की गई थी 1857 में, और द फर्स्ट चांसलर एंड वाइस चांसलर ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी वर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर विलियम कॉलविल। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप लोग का होगा लॉर्ड कैनिंग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पर ये बताना है, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात आपको और बता दें, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में या फिर ऑप्शन में कभी एक बार त्रुटि हो जाती है, तो अगर कोई भी ऐसी त्रुटि होती है, ठीक है, तो उसको सही करके आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा और उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो देखने से पहले कमेंट भी ज़रूर चेक कर लिया कीजिएगा, जिससे कि अगर किसी भी प्रश्न में त्रुटि होती, क्योंकि अलग अलग राइटर्स की बुक्स होती हैं और उसमें आंसर आप लोग के अलग अलग दिए होते हैं, तो कभी एक बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी प्रश्न में गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, तो बिल्कुल सब लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे अगर कोई भी ऐसी त्रुटि होती है, क्योंकि कोई भी महान तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कायदे आजम यानी कि महानेता की उपाधि का प्रयोग किया, बताइए निम्न में से किसके लिए किया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है आप लोग का मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कायदे आजम। इसके बाद देखिए आप लोग को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि दिया गया कार्नवालिस कोड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कार्नवालिस अगर कोड की बात करें, जैसे कि इसे 1793 में
जॉर्ज बार्लो द्वारा तैयार किया गया था और यह उन सभी प्रशासकीय सुधारों पर आधारित है जो कि लॉर्ड कार्निवालिस ने अपने शासन के दौरान लिए थे। और इस कोड का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसके अंतर्गत कंपनी की सभी उच्च सेवाओं व उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा और इसी के आधार पर बंगाल और संपूर्ण भारत में सिविल सेवा की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जो आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आप लोग का सही है और वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर दिया गया कोड की बात हुई ना, ये तो बाकी सब गलत रखें, यहाँ पर देखें कि इस कोड का सबसे बड़ा जो क्वालिटी थी, जो गुण था, वो सिर्फ यही था कि इसके अंतर्गत कंपनी के जितनी भी उच्च सेवाएं हैं और जितने भी ऊंचे पद हैं, इन पदों पर जो भी हमारे भारत के लोग हैं यानी कि भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा। तो यहाँ से आप लोग का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा बी वाला, क्योंकि जो तीसरा वाला कथन है वो आप लोग का गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाने लगा था, ये गलत दिया गया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आपको दिया गया जॉर्ज बार्लो द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल इसे 1793 में जॉर्ज बार्लो ने तैयार किया था और ये जो है फिलहाल आप लोग का प्रशासकीय सुधारों पर आधारित है जो कि कार्निवालिस ने अपने शासन के दौरान लिए थे और बंगाल और संपूर्ण भारत में सिविल सेवा की स्थापना भी इसी के आधार पर हुई थी। इसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप लोग का पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी। देख रहे हैं ना किस टाइप के क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में आएंगे। अगर आज की वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगती है तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा अपने चैनल को, क्योंकि दोस्तों जिस लेवल से मैं आज आप लोग को कराने वाला हूँ, करा रहा हूँ जो वीडियो में, यही लेवल आप लोग का कुछ रहेगा। और अब फिलहाल सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, पहले हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, इसी प्रकार से आप लोग को वन बाय वन सब्जेक्ट कंप्लीट करे जाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मिक्सअप में रख लेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, फिर साइंस, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, हर सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। और अगर वन बाय वन करना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। तो भारतीय फ़कीर की संज्ञा महात्मा गांधी जी को किसने दी थी, तो देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा विंस्टन चर्चिल ने, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर अब आपको बताना है, हमने जिस पीढ़ी में जन्म लिया है वह ना केवल पश्चिम में हिटलर और रूस में स्टालिन की पीढ़ी है, वरन वह भारत में गांधी जी की पीढ़ी भी है, और यह भविष्यवाणी बड़े विश्वास के साथ की जा सकती है कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव स्टालिन और हिटलर से कहीं ज़्यादा और स्थायी होगा। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है पूरी पढ़कर, ये कथन आखिर है किसका, ये आप सभी को बताना है। देखिए जो इतना बड़ा कथन है ये फिलहाल है आप लोग का अर्नाल्ड टाइनवी का, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा था कि हमने जिस पीढ़ी में जन्म लिया है यह ना केवल पश्चिमी में हिटलर और रूस में स्टालिन की पीढ़ी है, वरन हमारे भारत में भी गांधी जी की पीढ़ी भी है, क्योंकि यह भविष्यवाणी बड़े ही विश्वास के साथ की जा सकती है कि मानव इतिहास पर गांधी जी का प्रभाव जो है स्टालिन और हिटलर की बात करें तो इससे कहीं ज़्यादा और स्थायी होगा। तो ये कहा था फिलहाल अर्नाल्ड टाइनवी ने। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिया गया कि किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था। देखिए टेंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आ रहा होगा। तो सही जवाब आप लोग का फिलहाल है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सबसे पहले सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया था, किसके लिए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए। ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वराज दल से संबंधित है। देखिए स्वराज दल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पाँच नाम दिए गए, तो इन पांचों में व्यक्ति में से कौन कौन स्वराज दल से संबंधित है, तो आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक थे आप लोग के यहाँ से एनसी केलकर, ठीक है, और आप लोग के मोतीलाल नेहरू जी भी थे और विट्ठल भाई पटेल जी भी थे। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिलहाल आप लोग के यहाँ से आ जाएगा डी वाला 245, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, लॉर्ड लिन लिथगो यानी कि 1936 और 41 के शासनकाल में चैटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, बताइए उसका संबंध किस विषय से था। तो 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिलहाल आएगा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखेंगे 13th क्वेश्चन, देखिए टाइम बहुत कम है, मुझे आप लोग को ज़्यादा पढ़ाना है इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इतना ही कहेंगे आप लोगों से। देखिए 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, बताइए दोनों दलों के अध्यक्ष क्रमशः कौन कौन थे। देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात करें तो 1916 की बात हो रही है, इस टाइम लखनऊ समझौता हुआ था, तो इन दोनों ही दलों के अध्यक्ष कौन है इनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए एक का नाम है यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार और इधर थे दोस्तों आप लोग के मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ही दलों के अध्यक्ष थे, तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अब आप सभी को 15 क्वेश्चन का आंसर देना है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित था। देखिए 3 बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, अब ये कौन कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए सही जवाब है फिलहाल यहाँ से आप लोग का
सबसे पहले आपका 1877 दिया गया लॉर्ड रिटन, फिर आपका दिया गया यहाँ पर 1903 लॉर्ड कर्जन, और ये दिया गया 1911 लॉर्ड हार्डिंग। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों ही जो है ये तीन बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आएगा 15 का, देखिए 15 का जिसका भी आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ये याद कर लीजिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें तो इसने तीन बार, कितनी बार, तीन बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया। सबसे पहली बार 1877 में ये किया था लॉर्ड रिटन के टाइम में, फिर किया गया था आपका 1903 में लॉर्ड कर्जन ने, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, तो देखा एक ही क्वेश्चन में आप लोग के तीन से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें भी कई सारे क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब कौन सा गलत दिया गया है ये आप सभी को बताना है। देखिए 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, जो आपका गलत दिया गया वो कौन सा है, जैसे कि दूसरा दिल्ली दरबार ये दिया गया है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये आप लोग को गलत दिया गया है। तो यहाँ से सॉरी आपका सी वाला आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि यही आप लोग का गलत है। बाकी पहला दिल्ली दरबार ये महारानी विक्टोरिया, दूसरा दिल्ली दरबार ये है आप लोग का एडवर्ड सप्तम, और तीसरा दिल्ली दरबार ये है जॉर्ज पंचम, ये बिल्कुल सही है। अब जो गलत दिया गया वो है आप लोग का सी वाला। अब देखेंगे 17 क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। देखिए सितंबर 1946 में तात्कालीन वायसराय के आमंत्रण पर जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया, उन्हें कौन सा पद दिया गया था। तो देखिए 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो ये है आप लोग का उपराष्ट्रपति का पद इन्हें दिया गया था। निम्न में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा गया, तो बिना ताज के बादशाह कहे जाने वाले जो महान व्यक्ति हैं ये कौन है, फिलहाल ये हैं आप लोग के सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फिलहाल 18 क्वेश्चन के बाद आप लोग का ये रहा 19 क्वेश्चन। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए बाकी तो तीन आपको गलत दिए गए, 20 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ से आप सभी का ये है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने। अब लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड जैसे कि नव भारत, वंदे मातरम, सांधे और डॉन, तो इधर दे रखा है आप लोग का किससे कौन संबंधित है ये आप सभी को बताना है। ठीक है, तो देखें आप लोग का 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले नव भारत की, तो इससे संबंधित आप लोग के बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम की बात करेंगे तो देखिए वंदे मातरम का आ जाएगा आपका अरविंद घोष संबंधित हैं, सांधे से आप लोग के हैं ब्रह्म बांधव उपाध्याय, और डॉन के हैं सतीश चंद्र मुखर्जी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ये आएगा आपका ए वाला। चलिए फिलहाल दोस्तों आप लोग एक तरफ जो है न्यूज़पेपर दे रखे हैं और एक तरफ उनके संपादक के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताएं जैसे कि दिया गया इंडियन सोशोलॉजिस्ट, क्वार्टरली जनरल, तलवार और स्वतंत्र हिंदुस्तान, तो ये नीचे आपको ऑप्शन देके बताइए ए बी सी में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आप लोग को इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, इसके संपादक आप लोग के हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। उसके बाद देखें यहाँ पर आपको दिया गया क्वार्टरली जनरल, इसके आप लोग के एम जी रानाडे हैं। तलवार की बात करेंगे तो इसके आप लोग के वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और स्वतंत्र हिंदुस्तान की बात करेंगे तो इसके संपादक आप लोग के तारकनाथ दास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आप लोग का आएगा ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये युग्म दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म आप लोग का सही है ये आप लोग को बताना है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या आएगा। जैसे दिया गया चीतू पांडे, इनका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। लक्ष्मी स्वामीनाथन का संबंध यहाँ पर दिया गया है आज़ाद हिंद फौज से। और शशिभूषण राय, इनका संबंध दिया गया असहयोग आंदोलन से। और गुरदीप सिंह, इनका जो संबंध दिया गया वो है अनुशीलन दल से। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पता होगा, तभी आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से 23 का जो करेक्ट आंसर आएगा ये दिया गया, सबसे पहले दिया गया आपको चीतू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन, तो इनका संबंध इससे है। और यहाँ पर एक नाम दिया गया लक्ष्मी स्वामीनाथन जी का, और इनका जो रिलेशन है वो है आपका आज़ाद हिंद फौज से। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर का आया है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आप लोग को गलत दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि एक लिस्ट आपको दी गई है उसको मिलान करना है यहाँ पर, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना, फिर दिया गया आप लोग को मांटे जेम्स फोर्ड सुधार, 1935 का सुधार एक्ट और क्रिप सुझाव। तो दोस्तों इस टाइम में आप लोग का क्या क्या किया गया था ये आप सभी को बताएं, जैसे कि दिया गया प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचक मंडल, और आपका दिया गया संविधान सभा की स्थापना। तो बताइए दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जानना चाहूँगा क्या आप लोगों को इन सभी के बारे में पता है, एक साथ चार क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है,
तो यहाँ से आप लोग का होगा ये संबंधित आप लोग का पृथक निर्वाचक मंडल से, ठीक है ना। और 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम है, ऐसे ही हम लोग मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम में क्या था, चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। तो यहाँ से होगा पृथक निर्वाचक मंडल, निर्वाचन मंडल। फिर आपको दिया गया यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका संबंध है आप लोगों का प्रांतों में द्वंद्व शासन से। 1935 का जो सुधार एक्ट है, 1935 का जो आप लोग का सुधार एक्ट है, इसका रिलेशन आप लोग का है प्रांतीय स्वायत्तता से। और क्रिप्स सुझाव जो है ये संविधान की स्थापना से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। देखिए 25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये लिया गया था 7 अप्रैल 1934 को। ओके, अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइए किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की एक बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये कौन सा प्रस्ताव या कौन सी योजना थी, तो देखिए यहाँ से आप सभी को बता दें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आप लोग का अगस्त प्रस्ताव। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका प्रमुख कारण क्या था। देखिए जो उसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था यहाँ पर मुसलमानों ने, तो जो मेन रीजन था वो था सिर्फ इतना कि खिलाफत आंदोलन में जो सहयोग मिल रहा था उसके कारण जो उन्होंने जो है इसमें आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आप लोग का यहाँ से सी वाला, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। और अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एक कथन यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, और रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का जो अधिकार है जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की ही होगी। तो ये जो कथन है फिलहाल ये किसका है, अभी आप सभी को बता दें 28 क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो यहाँ से सही जवाब होगा आपका फिलहाल बी वाला। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इल्वर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों और यूरोपियों ने एक संगठन की स्थापना की, इस संगठन का नाम क्या था। तो देखिए 29 का करेक्ट आंसर आप लोग का होगा डिफेंस एसोसिएशन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम तो दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को लगभग कराने वाले हैं, जितने भी मेरे पास डेटा है जो मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए उन सभी को मुझे कंप्लीट कराना है आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, फिर से आप लोग लिस्ट दे रखी है और इसका आप लोग को सही मिलान करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है भारतीय सिग्नल कोर, भारतीय सेना मेडिकल कोर, भारतीय वायुसेना और आप लोग को दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो कब हुई थी इनकी स्थापना ये आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर भारतीय सिग्नल कोर की स्थापना ये हुई थी 1922 में, ठीक है ना। इसके देखिए आपको दिया गया यहाँ पर भारतीय सेना मेडिकल कोर, तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा, ये दिया गया आप लोग का 1943 में। फिर आप लोग का देखिए क्या जाएगा भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी आप लोग की 8 अक्टूबर 1932 को, तो यहाँ से 1932 आ जाएगा। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसका रिलेशन आप लोग का यहाँ से थर्ड वाला 1927, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा देखिए 1, ठीक है। उसके बाद आप लोग आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर 3, 1, 4, 2, 3, ये किस ऑप्शन में, ए बी सी या फिर डी, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल डी वाला। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की अगर हम बात करेंगे, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा जो लोग फिलहाल डिटेल से पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो अध्यक्ष के साथ में सहित 7 सदस्य थे, बताइए कि उन 7 सदस्यों में से कौन सा इसमें नहीं दिया गया, तो इसका सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर 5 नाम दिए गए जैसे कि जॉर्ज फॉक्स, अल्बर्ट कैडोगन, सैमुअल हॉर, ठीक है ना, वैरन और विंस्टन चर्चिल। तो देखिए 31 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताते हैं, सही जवाब जो होगा यहाँ पर, ये एक तो नाम आप लोग का यहाँ दिया गया आपका विंस्टन चर्चिल, एक ये नहीं थे आप लोगों के, क्लियर है, और दूसरे आप लोग के जो हैं वो हैं आप लोग के सैमुअल हॉर, बाकी सारे आप लोग के दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा यहाँ से गांव वाला। अब आपको बताना है कि साइमन कमीशन का भाई कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना था, तो ये थे फिलहाल क्लीमेंट एटली जो कि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा डी। अब आपको बताना है बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित संस्थाएँ दे रखी हैं और उनकी स्थापना किस वर्ष की गई और आप लोगों को एक साइड में वो दिया गया, तो आइए जानते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33 करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताएं, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना सभी लोग जानते हैं 1936 में हुई थी। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी आपको पता है ये भी हुई थी आप लोग की 1945 में। और समता दल ये हुआ था आपका 1927 में, इसकी स्थापना की गई थी, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से आप लोग का फर्स्ट वाला। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अब आपको यहाँ पर ये बताना कि जतिन दास जिसकी मृत्यु
जिनकी मृत्यु जो आप लोग के 13 दिसंबर 1929 को जेल में 64 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई। तो ये किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, क्या आप लोगों में से कोई ये जानता है? देखिए आपको बताते हैं थोड़ा सा, ये जो है फिलहाल लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में बंदी बनाए गए थे और लगातार 64 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी 13 दिसंबर 1929 को। ओके, तो फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का 35 क्वेश्चन। बताइए दोस्तों कौन सा युग्म यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया। इसके लिए आपको चारों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही है, ये सबसे पहला वाले पढ़ते याद है कि प्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन 1914, ये आपको सही दिया गया है। और आपको बताते हैं यहाँ पर दिया गया दूसरा नंबर पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये आप लोग का 1936, ये आपका सही है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा का वाला, यानी कि पहला और दूसरा सही है। चलिए अब आपको बताना है, एक तरफ आयोग दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों इसकी सन दे रखी है, तो जेम्स लैल आयोग, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिर आप लोग का सर एंट्री, फिर आप लोग को दिया गया भारतीय औद्योगिक आयोग, फिर दिया गया राजकीय श्रम आयोग। तो ये रहे दोस्तों नीचे चार ऑप्शन, बताइए दोस्तों यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है, ए बी सी या फिर डी। तो देखिए अगर आपको बताएं यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर, सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पर, क्लियर दिख रहा सभी को, जेम्स लयाल आयोग, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1900, सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग 1901, भारतीय औद्योगिक आयोग 1916 और राजकीय श्रम आयोग 1929। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध शिक्षा सुधार संबंधित सुधारों में से नहीं था? तो 37 का सीधे आप लोग को बताते हैं आंसर जो आएगा वो आएगा सर जॉन आउटहेड आयोग, और एक अन्य नाम दे रखा है विश्व सरैया समिति 1925, ये नहीं है, बाकी आप लोग के सही है। चलिए फिलहाल दोस्तों अब आप लोग बताइए समिति दे रखी है उसका संबंध किससे, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, देखिए 38 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे पहले दिया गया आप लोग को, यहाँ से देखते हैं, ये देखिए आपको दिया गया यहाँ पर एस लिंकटन आयोग 1912, सिविल सेवा से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखिए टॉम्स रेले आयोग, ये शिक्षा से है। और ये जो आप लोग का रॉबर्टसन आयोग है 1901, रेलवे संबंधित है। और 1917 का जो है ये मुद्रा प्रणाली से है, बेविंगटन समिति, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आपका ए वाला। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। देखिए सीधे आपको बताते हैं 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बिना टाइम वेस्ट किए। सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से थर्ड और फोर्थ, यानी कि बी वाला ऑप्शन आएगा, तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 जवाहरलाल नेहरू, और जैता सत्याग्रह ये आपको दिया 1924 सी आर दास। ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के बिल्कुल सही है। दिल्ली चलो सत्याग्रह ये किस नाम से भी जाना जाता है, सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सा है? तो ये है फिलहाल आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है आप सभी के सामने, खिलाफत आंदोलन का अंत निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग के पूरे 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। मुसलमानों की मांगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान ली गई, चौरी चौरा कांड के पश्चात कमाल पाशा के तुर्की का शासन बनने से या शासक बनने से, या फिर मुस्लिम लीग के इस आंदोलन से हट जाने से। देखिए खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें जो अंत हुआ था निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था, तो ये हुआ था कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने से हुआ था। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आप लोग का सी वाला। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग की नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।